लेकिन मनीष जी उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी कि वो जो शिंदे को स्वीकार लिया था उसके बाद फ्री हैंड एक तरह से बिना कोई रोक टोक बिना कोई बाधा पैदा किए एक राज शिंदे को सरकार चलाने दी और उसका नतीजा है कि आज जो परिणाम आए तो एक तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो थाली में परोस के फडणवीस के सामने है। तो इस जीत का नायक देवेंद्र फडणवीस के अलावा और किसको कहा जाएगा। 137 सीटें 136 या 137 सीटें भाजपा की हैं तो उसका अकेला नायक वही आदमी है। बिल्कुल सर, महाराष्ट्र चुनाव परिणाम जब आने लगे तो मैं देख रहा था खलिहर अब सवाल करने लगे सीएम कौन बनेगा। अब बताओ सीएम कौन बनेगा जो कल तक नाच रहे थे। देवेंद्र फडणवीस का वो वीडियो चलने लगा जो संसद में कहा था उन्होंने देवेंद्र जी ने कि मेरे मतलब वो जो किनारे घर मत बना लेना मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा, वो वीडियो चलने लगा। देवेंद्र फडणवीस ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि मेरी अगुवाई में चुनाव हुए हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और अब की बार उन्होंने कहा मैं छोटा मेरी भूमिका बहुत छोटी है इसमें बड़ी भूमिका फलाना की है ढिमकाना की है मैं एक अभिमन्यु की तरह था। आपको इस पूरे परिणाम में महाराष्ट्र के पूरे परिणाम में देवेंद्र फडणवीस कहां नजर आते हैं उनकी भूमिका एक आदमी का डिमोशन करके सीएम से अपने बहुत जूनियर नेता के सामने डिप्टी बना देना और उस पर उस आदमी का समर्पण भाव से काम करना। नहीं वो डिप्टी बना देना कोई बड़ी बात नहीं थी मनीष जी, वो जो समर्पण भाव से काम करना और वही समर्पण भाव काम कर गया। देखिए ऐसा नहीं मनीष जी कोई देवेंद्र फडणवीस के सर पे अकेले सेहरा बांध दिया जाए। तो मैंने आपको पहले पूरा पूरा बताया कि ये परिणाम जो था उसके बाद ये जो मेहनत थी इसको एक तरह से रंग लाने की तो वो काम देवेंद्र फडणवीस ने अभूतपूर्व तरीके से निभाया और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मनीष जी वो जो 2 साल पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद स्वीकार लेना और उस स्वीकारने के बाद जो चुनाव आए तो पूरी तनमन धन से लग कर जो काम किया है तो वो उसमें वास्तव में धन्यवाद और बधाई के पात्र है वो व्यक्ति कि देवेंद्र फडणवीस ने अकेले एक तरह से कमान संभाल ली थी। और जो मैं बीच बीच में जो क्लिपिंग आती थी वीडियो की तो मैं देखकर दंग रह गया था कि गौर करिए कि एक तरह से जैसे पहले तय हो चुका था ऊपर से कि आरएसएस नीचे काम कर रहा था कि जिसे कहते हैं कोर हिंदुत्व कठोर हिंदुत्व हार्ड कोर हिंदुत्व उससे इधर से उधर नहीं होना है। तो देवेंद्र फडणवीस के कुछ मैं वीडियो देखता था तो मैं दंग रह जाता था कि ये वही आदमी है जिसके बड़ी सौम्य छवि है कि किस तरह से बिल्कुल प्रचंड होकर जो शिवाजी पे कविता सुनाते थे तो वो बैठा आदमी उसके रोए खड़े हो जाए इस तरह से बात कर रहे थे। और देवेंद्र फडणवीस ने अद्भुत उसमें निभाया है। लेकिन मनीष जी उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी कि वो जो शिंदे को स्वीकार लिया था वो 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 2 साल पहले लगाया गया पौधा उसने आज रंग दिखाया। अगर उस समय देवेंद्र फडणवीस फैल मचा देते राजनीतिक परिपक्वता का परिचय ना देते तो वो आज आपको ये परिणाम यहाँ पे नजर ना आ रहा होता क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने केवल स्वीकारा नहीं उसके बाद फ्री हैंड एक तरह से बिना कोई रोक टोक बिना कोई बाधा पैदा किए एक राज शिंदे को सरकार चलाने दी। तो वो जब चुनाव में पहुंचे तो वो एक है तो सेफ है उसके एक तरह से वो प्रतिमूर्ति थी। कहीं किसी प्रकार की इन खैरातियों को कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला कि जिस पर ये आके उस पर कोई उंगली उठा सके और उसका नतीजा है कि आज जो परिणाम आए तो एक तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो थाली में परोस के फडणवीस के सामने है। अब वो फैसला क्या होगा ये एक दो दिन में हम लोग जानेंगे। तो फडणवीस ने एक तरह से नायक तो आप कही सकते हैं अगर आप पॉलिटिकल संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इस जीत का नायक देवेंद्र फडणवीस के अलावा और किसको कहा जाएगा। 137 सीटें 136 या 137 सीटें भाजपा की हैं तो उसका अकेला नायक वही आदमी है। बिल्कुल, और इसीलिए भी क्योंकि देखिए जब प्रधानमंत्री ने आज संबोधन किया भाजपा मुख्यालय से तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस चूंकि उम्र में देवेंद्र उनसे बहुत छोटे हैं लेकिन देवेंद्र के लिए जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया वो उन्होंने कहा कि मेरे परम मित्र। एकनाथ शिंदे का नाम लिया लेकिन देवेंद्र के लिए जब वो बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि वो देवेंद्र के लिए प्रयोग ही किया परम मित्र। तो इससे समझ में आता है कि मोदी मैसेज क्या दे रहे हैं। नहीं मैसेज क्या दे रहे हैं लेकिन मनीष जी जो परम मित्र मैं भी सुन रहा था मुझे भी चौंका था लेकिन वो परम मित्र के मैसेज कई होते हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं कि परम मित्र को कहीं बंबई से दिल्ली लाने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं। जो बात हम लोगों ने कार्यक्रम में कही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका परम मित्र राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और इसीलिए पहले से
उन्होंने एक मैसेज दे दिया था कि ये जो खुराफाती निचले स्तर के होते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला जो है फडणवीस। लेकिन अभी फैसला देखिए, ये खैराती जो गलती कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं, उनको तो ये गलती करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है, ये गलती हमको आपको नहीं करनी है, जिसको भी बनाएंगे मुख्यमंत्री वो बढ़िया वहां पे होगा, ये फैसला भाजपा को करना है, वो जब जिस समय घोषणा हो जाएगी उसके बाद हम लोग उस पर उसका आकलन करेंगे कि ये सही है गलत है। फिलहाल वो ये प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से स्वयं का निर्णय होगा, और होगा नहीं, वो कर चुके होंगे वो निर्णय। हम लोग ये कहते हैं कि राजनीति में कई बार जो है ना देवेंद्र फडणवीस बनने से के क्या मायने होते हैं, क्योंकि कई बार जब किसी का पद काटे जाते हैं उनको मंत्रिमंडल में, तो आप देखिए ना यशवंत सिन्हा लगा कि मेरा मेरी बपौती है, शत्रुघ्न सिन्हा औकात तुम्हारी कुछ नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं फुदकने लगा, देखिए कि गधे मतलब सुअर वाली औकात नहीं रही। तब मुझे आज देवेंद्र इसलिए प्रभावित कर गए जब मैं उनके दो वीडियो जो उनके वायरल हो रहे हैं 4 महीने पहले, इसमें ये व्यक्ति कह रहा है हार के बाद पूरा क्रेडिट लेता है कि हाँ ये मेरी गलती है, कि मैं इसे मानता हूं कि ये मतलब ये मेरी हार है। देवेंद्र इस चीज को स्वीकार करते हैं, जरा इसको सुनिए, बहुत छोटा क्लिप है। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ, मैं भागने वाला आदमी तो हूँ नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है। इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस एकता का ये विजय है। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है ऐसा मैं मानता हूँ। महाराष्ट्र में चूंकि ये निश्चित रूप से मुझे बहुत प्रेरित किया दोनों चीजों को देख लिए, कि 4 महीने पहले वो आदमी कहता कि हाँ ये हार की जिम्मेदारी मेरी है, और आज वही आदमी कहता है कि मेरी छोटी भूमिका है। नहीं नहीं, देखिए आज की तारीख में भाजपा के पास महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के बराबर कद्दावर नेता कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरे प्लस पॉइंट उनके साथ, वो प्लस और माइनस दोनों के लिए, लेकिन माइनस तो वाली बात खत्म, प्लस का जो पॉइंट है वो संघ के भी बहुत लाड़ले दुलारे प्यारे हैं वो, तो अगर वो मुख्यमंत्री वहां बनेंगे तो एक तरह से बढ़िया तालमेल के साथ वहां सरकार चलती चलेगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाते हैं तो देखिए क्या होता। लेकिन वो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी को करना है, और वो दूर की सोच के निर्णय करते हैं, तो क्या निर्णय होगा ये एक दो दिन में हम लोग के सामने आ जाएगा, लेकिन निर्णय जो भी होगा वो बेहतर होगा, तो उस पर कोई अड़ नहीं जाना कि फडणवीस को ही बनाया जाए या एकनाथ शिंदे को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी बेहतरीन उनकी भूमिका रही है, और अब वो आदमी का उसका कद इस चुनाव के बाद बहुत बड़ा है, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। मगर जो भाजपा की सीटें हैं वो अद्भुत आई हैं, ऐतिहासिक आई हैं, तो कहीं फडणवीस से तुलना नहीं हो सकती। आज के यूपी इलेक्शन पे भी आता हूँ दीपक जी, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे, वो अलग से वो एक अलग मैटर है, वो वहाँ भी इतिहास बना है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसको अभी बीच में हम लोग नहीं कर रहे। तो महाराष्ट्र के अंदर, और जरा मनीष जी एक जैसे मैंने गढ़चिरौली का बताया,